जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस के हॉकी मैदान में जिस तरह नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप की घटना कारित हुई है, ये प्रदेश में बढ़ते अपराध और जिस तरह महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है उसकी दिशा में एक और कलंकित करने वाला कृत्य है। इसमें सबसे पहले जहां बालक और बालिका रुके थे नाबालिग, उस होटल के साथ साथ इनका और कौन कौन लोग इसके अंदर दोषी है, पुलिस बलात्कारियों को पकड़ने की बात कर रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं किस तरह हो रही प्रदेश के अंदर। ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है और होम डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री जी के पास है, सबसे राजस्थान के सबसे बड़े दूसरे विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से गलत संदेश नौजवानों को और युवा पीढ़ी को दे रही है। सामने शासन चुनाव भी है, राजस्थान में इलेक्शन भी है और इस तरह की घटनाएं घटित होके ये सोशल मीडिया का जमाना एक दुष्प्रभाव भी नौजवानों पे और नए बच्चों पे डालती है। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, मैं सरकार से मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री इस पर अपना वक्तव्य जारी करे। उनका खुद का गृह जिला है, वो वहां से एमएलए भी मुख्यमंत्री चुन के आते हैं और वो गृह खुद जीरो टॉलरेंस और घटते अपराध की बात हमेशा करते हैं। मुख्यमंत्री जी वक्तव्य जारी करें, बालिका के परिजनों को तत्काल जो भी सुविधा है वो बालिका के परिजनों को सुविधा मिले। इस घटना में संलिप्त जो भी लोग हैं, जिस होटल के अंदर ये बालक बालिका गए थे, जहां रोका था, जिस मैनेजर और जिस लड़के ने इनको अलग अलग रोकाया, और नाबालिग अगर आते हैं तो सबसे पहले थाने में सूचना देनी पड़ती है कि भाई इस तरह नाबालिग बच्चा गए, कई बार रास्ता भटक जाते हैं, दूसरे कारण हो जाते हैं। लेकिन होटल संचालक ने रात को बाहर निकाला, इसलिए ये तीनों लड़के जो बाहर खड़े थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इस मामले में अपना वक्तव्य जारी करें, साथ ही साथ केस ऑफिसर स्कीम के अंदर इसको लेके और 60 दिन में इसकी ट्रायल पूरी कराए, 7 दिन में इसका चालान पेश करे जोधपुर कमिश्नर। मैंने कमिश्नर से बात भी की है, प्रदेश के आला अधिकारियों से बात की है और इसमें कड़ी से कड़ी सजा इन लड़कों को मिले। मैं तो ये कहूंगा कि दुष्कर्म करने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर नाबालिगा के साथ दुष्कर्म होता तो हमने ये भी कहा है कि फांसी की सजा इन लोगों के लिए कम से कम, ये देश और प्रदेश की जो सरकार है, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट है, उनको हम आग्रह भी करते हैं कि ऐसा कानून बने कि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति, कलंकित करने वाला कृत्य जिसने पूरे राजस्थान को शर्मसार किया, विश्वविद्यालय कैंपस को शर्मसार किया। इस तरह की घटनाएं जब भी हुई है हमने इन घटनाओं का राजस्थान के अंदर विरोध किया था। एक शासन अध्यक्ष रहते हुए घटनाएं हुई तब भी हमने विरोध किया और अब भी जो घटनाएं हो रही उसके पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विरोध करती है। मुख्यमंत्री जी को इसमें वक्तव्य देके इन घटनाओं की रोकथाम के पूरे उपाय करने चाहिए, ये मेरी मुख्यमंत्री से मांग है।